जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आपको कोई भी नई जगह नहीं लाए हैं, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी विषय है जिस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी का त्यौहार हम सब ने मनाया, पर गणेश चतुर्थी के बाद जब हमने गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया, ध्यान दीजिएगा प्रतिमा का, गणेश जी का नहीं, ठीक है, तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन जब किया, तब उस प्रतिमा का क्या होता है विसर्जन के बाद, ये कभी आपने सोचा है? तो आज हम आपको बताते हैं कि प्रतिमा विसर्जन के बाद क्या होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं प्रतिमा, ये हमने दो दिन पहले विसर्जन करा था इसका, और ये देखिए कुछ भी नहीं हुआ प्रतिमा में। ये जो ऊपर आप लेयर देख रहे हैं पेंट की, ये कितनी मोटी लेयर है, तो POP और पेंट ये दोनों केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो पानी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इससे जो पानी के जीव जंतु है वो सब मर जाते हैं, और एक तरीके से पूरा पानी जो जहरीला हो जाता है। अगर हम इसमें एक मछली डाल दें तो अभी तुरंत मर जाएगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहते। तो इससे जो जो पेड़ पौधे नदियों में होते हैं उनको भी हानिकारक रहता है, और उससे कुछ समय बाद आपके ऊपर भी असर आता है। तो हमारा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि प्लीज़ POP की जो प्रतिमा है इन्हें ना लाएं और इनकी स्थापना ना करें, क्योंकि 10 दिन आपने बहुत ही बढ़िया भक्ति करी है, लेकिन जब आप प्रतिमा का विसर्जन करते हैं तो उससे भी बड़ा पाप आप कर देते हैं, क्योंकि आप के द्वारा जाने अनजाने में समुद्री या नदियों के जो जीव है उनकी मृत्यु हो रही है। तो सरकारें और बड़े बड़े संगठन इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, पर वो आज तक इसमें सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकार या कोई भी संगठन कितनी भी कोशिश कर ले ये चीज़ें बंद नहीं होगी। जब तक हम POP की प्रतिमा खरीदना बंद नहीं करेंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से बनाएं, लेकिन POP की प्रतिमा का इस्तेमाल नहीं करें। मिट्टी के गणेश जी अगर आपको महंगे लगते हैं, क्योंकि वो थोड़े से महंगे आते हैं, तो आप घर में बनाइए, बिल्कुल फ्री में बनेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गणेश चतुर्थी का त्यौहार बनाइए, माता जी का त्यौहार बनाइए। दिवाली पर भी आप मूर्तियाँ लाते हैं, वो भी कोशिश करिए कि मिट्टी की बनाएँ, ताकि पर्यावरण भी बचा रहे, और जो अपने धर्म में जो शास्त्र में जो महत्व है वो मिट्टी के गणेश जी का ही है। आशा करता हूँ आप हमारी बात को समझे होंगे, और कोई भी इसे गलत तरीके से ना ले, क्योंकि ये सब अभी 10 से 15 साल के अंदर शुरू हुआ है। अपने जो पूर्वज हैं वो मिट्टी के ही गणेश जी की स्थापना किया करते थे और उसका विसर्जन करते थे, जिससे किसी को भी कोई नुकसान प्रकृति को नहीं होता था। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और हो सके तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि लोग इस वीडियो को देख के थोड़ा जागरूक हों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।